सिंगल स्टेप की इस वीडियो एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैटेरियल नाउन के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले हम प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन के ऊपर वीडियो कर चुके हैं, तो आज हम मैटेरियल नाउन के ऊपर डिस्कस करने जा रहा हूं। ये मैटेरियल नाउन डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मैटेरियल नाउन उसी चीज को बोला जाता है जिससे कोई चीज बनाया जाता है। जैसे पहले एग्जांपल पर आते हैं हम, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग जो हम किसी भी मैरिज में गिफ्ट करते हैं और किसी वक्त पर गिफ्ट करते हैं लोगों को, तो यहाँ पर रिंग मैटेरियल नाउन नहीं होगा। अब सब लोग को ये लग सकता है कि रिंग भी तो एक मैटर ही है, लेकिन ये मैटेरियल नाउन नहीं होगा। रिंग जिससे बनाया जाता है, द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। रिंग गोल्ड से बनाया जाता है, तो गोल्ड ही होगा मैटेरियल नाउन। गोल्ड ही होगा मैटेरियल नाउन, और रिंग क्या होगा? रिंग होगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट दो नंबर एग्जांपल पर आते हैं, द चेयर इज मेड ऑफ वुड। चेयर भी तो एक मैटर ही है, लेकिन भाई लोग, मेरे भाई लोग, ये चेयर मैटेरियल नाउन नहीं होगा, क्योंकि चेयर वुड से बनाया जाता है, और वुड ही होगा मैटेरियल नाउन। और चेयर क्या होगा? चेयर होगा कॉमन नाउन। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर ग्लास होगा कॉमन नाउन और वाटर होगा मैटेरियल नाउन। किसी व्यक्ति को लग सकता है कि ग्लास भी तो मैटर ही है, लेकिन अगर आप एग्जांपल पे तौर पर ये ले कि द ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, तब हम ग्लास को मैटेरियल नाउन बोल सकते हैं, क्योंकि तब ग्लास किसी चीज से ही बना जाता है, तब हम बोल सकते हैं कि ग्लास एक मटेरियल है। लेकिन इस एग्जांपल में प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर हम ग्लास को मटेरियल नाउन नहीं बोलेंगे, ग्लास को कॉमन नाउन बोलेंगे और वाटर को मटेरियल नाउन बोलेंगे। अब मैं सभी वीडियो में रखता हूँ सम एक्स्ट्रा नॉलेज। इसी वीडियो में भी मैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज लेकर आया हूँ। कोल इज ब्लैक, द कोल इज ब्लैक, ये क्या है? इन जनरल हम लोग मैटेरियल नाउन के आगे आर्टिकल नहीं यूज करते। आर्टिकल कौन सा? ए एन डी, अब तो अब सब लोग जानते हैं। लेकिन जब उस चीज को हम स्पेशली और निर्दिष्ट तौर पर यूज करते हैं, तब हम आर्टिकल यूज करते हैं। यह पर कोल इज ब्लैक, द कोल इज ब्लैक, स्पेशली यह पर कोल को ही बोला जा रहा है, इसीलिए कोल के आगे द यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही ड्रिंक्स वाटर, वाटर तो मैटेरियल नाउन है, इससे आगे तो हम लोग आर्टिकल नहीं यूज करेंगे। लेकिन जब आप बोलेंगे द वाटर ऑफ गंगा इज सेक्रेड, यहाँ पर स्पेशली गंगा का ही वाटर का मेंशन किया गया है, स्पेशल यूज है ये, इसीलिए वाटर के आगे द यूज किया गया है, मेरे भाई लोग। तो मैं आज बस इतना ही। मैं आशा रखता हूं कि आप इसको समझ चुके होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इस वीडियो के ऊपर, तो आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए ही बनाता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ है आपको सिखाना, आपको ग्रामर का नॉलेज इंक्रीज करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, मैं नेक्स्ट वीडियो में एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले आऊँगा। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग कर सकता हूँ क्या। और मेरा हिंदी थोड़ा वीक है तो इसीलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको ग्रामर सिखाना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।